दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास मौजूद है। गुजरात के ही मुंद्रा समुद्र तट पर एक और अजूबा बनाया गया है। ये है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची पवन चक्की। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। गुजरात में मुंद्रा समुद्र तट के ऊपर मौजूद ये विंड मिल भारत का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर है। इसे पिछले सप्ताह ही कमीशन किया गया है। इस एक विंड मिल से ही 5.2 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। अभी तक जो विंड मिल बनते थे उनके जरिए इससे आधी ही बिजली पैदा की जा सकती थी। इस पवन चक्की में जो ब्लेड लगे हैं वे दुनिया के विशालतम विमान बोइंग 747 के विंग से भी बड़े हैं। आकार निश्चित रूप से मायने रखता है, कम से कम तब तक जब तक आप पवन ऊर्जा पैदा कर रहे हों। पवन टरबाइन जितना बड़ा होगा और अधिक शक्तिशाली होगा, वो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में उतना ही ज्यादा कुशल होगा। मुंद्रा विंटेक लिमिटेड का ये प्रोटोटाइप पवन टरबाइन का ब्लेड 78 मीटर लंबा है। ये किसी जंबो जेट के विमान से भी बड़े हैं। तभी तो ये शक्ति के मामले में भी सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। इसका रोटर व्यास 160 मीटर है। पवन टरबाइन जनरेटर की हब ऊंचाई 120 मीटर है, मतलब कि 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर। मुंद्रा विंटेक लिमिटेड के सीओओ मिलिंद कुलकर्णी ने कहा कि प्रोटो असेंबली को 19 दिनों के रिकॉर्ड में पूरा किया गया था। ये मशीन पहली है और इसे जर्मनी के विंड टू एनर्जी तकनीक से बनाया गया है। ये हवा की गति पर 3 मीटर प्रति सेकंड जितनी कम और 20 MPPS तक काम करेगा। लगभग 12 MPS हवा की गति पर अपने इष्टतम बिजली उत्पादन तक पहुंच जाएगा। ये टरबाइन लगभग 4000 घरों को बिजली देगा। एक टरबाइन से अधिक ऊर्जा पैदा करने की क्षमता का मतलब है कि प्रत्येक विंड फार्म पर कम टरबाइनों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। कुछ साल पहले ही बात करें तो भारत में एक पवन टरबाइन की अधिकतम क्षमता 2-3 मेगावाट हुआ करती थी। कुछ ही सालों में ये आंकड़ा दोगुना हो गया। मुंद्रा में जो ये नया टरबाइन बनाया गया है, इसकी क्षमता 5.2 मेगावाट की है। ये पवन टरबाइन अपने साथ भारत में पवन ऊर्जा के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक लेकर आया है। NBT ऑनलाइन के लिए शिशिर चौरसिया की रिपोर्ट।